हाँ बच्चों, अज आप इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 करांगे। ठीक है। हाँ जी, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ जी, का मतलब की है, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, सरबंग सम होंगे जे उन्होंने कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चे, हुण वेखो, थ्री साइड्स होंगी है तो थ्री ही एंगल होंगे, इट्स मीन टोटल छे होंगी कंडीशनस। ठीक है। पर हुण क्वेश्चन ये उठता वा कि जे इन चो एक कंडीशन भी घट हो जाए तो यह जी ट्रायंगल कंकरेंट होगी कि नहीं होगी। ठीक बच्चे। हाँ जी देखो, तुसी डायग्राम देख रहे हो, ए साइड इहदे कोल आ, ए साइड इहदे कोल आ, ए साइड इहदे कोल आ, ए एंगल इसके इक्वल आ, बी जिहड़ा क्यू दे इक्वल आ, सी जिहड़ा आर दे इक्वल आ। ठीक बच्चे। हाँ जी, कोरसपोंडिंग होना चाहिए, उपरला वर्टैक्स उपरले वर्टैक्स के एंगल के इक्वल होना चाहिए, जो राइट हैंड का एंगल बनया राइट हैंड के एंगल के इक्वल होना चाहिए, लैफ्ट वाला एंगल लैफ्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक बच्चो। हूँ यदा तो मैं तुम थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखावगी। हाँ बच्चे, यह तुसी देख रहे हैं, दो मैं कटिंग की है या ट्राइंगल्स। ठीक है। इनू आप ए बी नूं इधर रख दिए, ए बी सी पी क्यू आर। हाँ जी बच्चों, इन्हां दी कटिंग जिहड़ी आ वो इक्वल ही हैगी आ। ठीक है। हुण मैं आ ट्राइंगल नूं इहदे उपर रख दवा, ए रख दित्ती। ठीक है। ए ट्राइंगल ने पहली ट्राइंगल नूं कवर कर लिया। ठीक है। थले ट्राइंगल दिसनी आ, रेज मतलब कवर हो गई, इहदा मतलब मैं जिहड़ा वा जिहड़ी कोरसपोंडिंग साइड आ वो मैं इहदे उपर ही रखी आ वा पहली ट्राइंगल दे, तां ही इहने पहली ट्राइंगल नूं कवर कर लिया। जे मैं कोरसपोंडिंग साइड इक्वल ना रखती तो इन्हें इनू कवर नहीं करना सी, जिस तरह के ए वा। ठीक बच्चो। हुण पहली जिहड़ी ट्राइंगल दिस रही ना थल्ले, इहदा मतलब कि मैं कोरसपोंडिंग साइड इक्वल नहीं रखी आ, जे मैं इक्वल रखती तो फिर इस तरह दिसना सी। बच्चो आ वेखो, कोरसपोंडिंग साइड इक्वल नहीं आ। ठीक है। तो ट्राइंगल इस तरह दिसूगी। ठीक बच्चो। तो जे मैं कोरसपोंडिंग साइड्स इक्को रखनी आ तो ये ट्राइंगल तुहानू इस तरह की दिखाई देगी। ठीक बच्चो। हाँ जी, नैक्सट। हाँ जी बच्चो, नैक्सट क्वेश्चन बनता वा, देयर फोर केसिस ऑफ द टू ट्राइंगल टू बी कंकरेंट। मतलब फोर केसिस दो ट्राइंगल है कंकरेंट हो गया। पहला केस आ साइड साइड साइड, इन आप शॉर्टकट से एस 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 कंकरेंस रख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, इहदा बच्चो मैं अगे जाके एक्सप्लेन करांगी, इहदा मतलब कि सैकेंड साइड एंगल साइड इन शॉर्ट फॉर्म एस ए एस कंकरेंस, थर्ड एंगल साइड एंगल। ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म च ए एस ए कंकरेंस, फोर्थ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड आर एच एस। हाँ जी बच्चों, हुण इहदा मैं एक्सप्लेन जिहड़ा तुहानूं अगे जाके हुण दस्सनी आ। ठीक है। हाँ जी देखो, बच्चों इहदा मतलब की है साइड 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 कंकरेंस, टू ट्राइंगल आर कंकरेंट इफ दे थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली था तो कोरसपोंडिंग शब्द भी लिख सकते जो इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। हाँ जी, का मतलब आ कि दो ट्राइंगल सरबंग सम हन जे जे एक ट्राइंगल दे तिने साइडा
दूजी ट्रायंगल दिया तिने साइडा दे रिस्पेक्टली इक्वल होन, कोरसपोंडिंग इक्वल होन। इस तरह के तुम मैं अगे जाके डायग्राम दिखाउनी हाँ, यह बच्चे डायग्राम आ ठीक है। हाँ जी ये वेख रहे हो आ साइड ये इक्वल आ, ए साइड ये इक्वल आ, ए साइड ये इक्वल आ, रिस्पेक्टिवली कोर्स ठीक कोरसपोंडिंगली। ये नहीं है कि जिते फोर आते इतने फाइव हो गई आ तो फोर इधर चल गया, फिर रोंग हो जूगी ठीक है। फिर मैं तुहानू उहो ही प्रैक्टिकल करके दिखानी हाँ, जिस तरह के ऐसे जे आप बिल्कुल आखो इनू इधर उपर रखांगे साइड 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 नू साइड दे इक्वल रखांगे ठीक है। इक्वल साइडा दे इक्वल साइड रखांगे, मतलब कोरसपोंडिंग साइड नू कोरसपोंडिंग साइड ते रखांगे ते कंकरेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस तरह करना एक कंकरेंट नहीं होगी। जे वेखो ट्रायंगल ओ ही आ पर आपा कोरसपोंडिंग साइडा इक्वल नहीं रखिया ते ट्रायंगल नहीं बन पाई। हाँ जी नैक्सट जी अगे देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। हाँ जी बच्चे इदा मतलब की होया, इदा मतलब ये गया कि दो ट्रायंगल सरबंग समान जे जे उन्होंने की आ कि एक ट्रायंगल दे दो साइडा होन ते उन्हां दा विचला एंगल इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच जिहड़ा एंगल बनता दो साइडा दे बीच जिहड़ा एंगल बनता वा उह दूजी ट्रायंगल दे दो साइडा उहदे विच जिहड़ा विचकार एंगल बनता वा उह इक्वल होणगे कोरसपोंडिंग तां इह ट्रायंगल जिहड़ी आ कॉन्ग्रेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल हाँ बच्चे यह एग्जाम्पल तुसीं देख सकते जो ठीक है। यह वेखो यह साइड इहदे इक्वल आ, यह साइड इहदे इक्वल आ, यह साइड इहदे इक्वल आ, ते इन्हां दोवां साइडां दे इनकलूड एंगल इन्हां दोवां दे विच एंगल बनता 60 डिग्री का ठीक है। बच्चे जे इदा जे ना भी आ साइडा इक्वल हो जाए तो एंगल इधर बन जाए 60 का तो यह कंकरेंट नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि दोनों साइडा दे विचकार नहीं बने एंगल इस को ठीक है। हुण तुहानूं मैं एक फिर तुसीं जे यह चीज़ बन गया तुसीं इहनूं लिख सकते जो कि ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक बच्चो। हाँ जी हुण तुहानूं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिंदी मैं बच्चो। यह तुसी दो ट्रायंगल्स देख रहे जो ठीक है, यह जड़ी आ 6 सेंटीमीटर तो यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर तो यह भी की आ 5 सेंटीमीटर लिख सकते जो 6 सेंटीमीटर ठीक है। यह कितनी आ 5 सेंटीमीटर ठीक है। हुण यह साइड इहदे इक्वल आ, यह साइड इहदे इक्वल आ, तो इत्थे एंगल बनया 60 का, तो इत्थे भी किन्ना आ गया 60 डिग्री का। इहदा मतलब कि इन्हां दोवां दे साइडां दे विचकार एंगल बनिया 60 दा, इत्थे भी साइडां दे विचकार एंगल बनिया 60 दा। हुण मैं जिहनूं इहदे उत्ते रखांगी तो इहनूं कवर कर जूगी, कोरसपोंडिंग रखिया मैं, इह देखो कवर कर गई ना। वेखो मैं इसे कोल दो अलग अलग कलर दी ट्रायंगल ड्रा कीती आ कि तुहानूं पता लग सके कि उह कलर दिस रहा वा कि नहीं दिस रहा, क्योंकि सेम हुंदा कलर ते हो सकदा दीदा भी होंदा तो तुहानूं लगता भी नहीं दीदा ठीक है। जे मैं मान लो 60 डिग्री एंगल नूं इधर रख दिंदी हाँ ठीक है, तो कंकरेंट नहीं करूँगी। आ बच्चे देख लो आ साइड वर्टेक्स नूं वर्टेक्स ते रखता ना मैं, पर इन्हें कंकरेंट नहीं किया। बच्चे देखो ना थर्ड कंडीशन एंगल साइड एंगल इन शॉर्ट फॉर्म ए एस ए लिख सकते हैं कंकरेंस, टू ट्रायंगल आर कंकरेंट इफ टू एंगल्स आर एंड द इंक्लूडेड इंक्लूडेड मतलब शामिल
साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, मतलब बच्चे रिस्पेक्टिवली की थान पर कोरसपोंडिंग शब्द भी लिख सकते हैं। टू द टू एंगल्स एंड इनकलूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रैंगल। हाँ जी बच्चे, इसका मतलब की है दो ट्रैंगल कंकरेंट होंगे हैं जे दो एक ट्रैंगल के दो एंगल तो उन्हों दो एंगलों के विचकारली जड़ी साइड जी शामिल होगी वो दूजी ट्रैंगल दे इस तरह दो एंगल तो उन्होंने विचकार जड़ी साइड जी शामिल होंगी जड़ी आ रिस्पेक्टिवली इक्वल हो जी ट्रैंगल्स आस कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक बच्चो, जिस तरह वेखो एक ट्रैंगल यह बनी आदा वेखो तुम की वेख रहे जो बच्चो यह ट्रैंगल 5 सेंटीमीटर आ दो एंगल है हम बच्चो दो जोड़े एंगल बने आ उन्हां दे इनकलूडिड उन्हां दे विचकार ही जिहड़ी आ एक साइड बनी हुई है। हुण बच्चो जे मान लो कि एंगल इत्थे बने होण ते साइड 5 सेंटीमीटर इत्थे शो कीती होवे, ठीक है, इस तरह नहीं आ, उन्हां दे विचकार वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए है। ठीक है, कि दूजी ट्रैंगल दे, हाँ जी दूजी ट्रैंगल दिखा दी आप। हाँ जी बच्चे देखो यह दूसरी ट्रैंगल आ, ठीक है, यदा नाम पी क्यू आर रख्या गया है, ये 5 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तो 80 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बने हुए तो ये भी दोनों एंगलों के विचकार ही 5 सेंटीमीटर साइड ली गई है, मतलब कि जी ए बी सी ट्रैंगल सी और जी पी क्यू आर ट्रैंगल आ दोनों ची 80 डिग्री तो 30 डिग्री के एंगल बने आ और उन्होंने विचकार जी 5 सेंटीमीटर साइड ली गई आ। जे बच्चो एक दी साइड मान लो 5 सेंटीमीटर इत्थे ले जाती, मान लो कि ए बी सी ट्रैंगल से बी सी ले गई ना 5 सेंटीमीटर, सपोज करो कि पी आर 5 सेंटीमीटर ले जाती तो ये ट्रैंगल कंकरेंट नहीं होनी सी क्योंकि जी 5 सेंटीमीटर से वह दो एंगलों के विचकार नहीं बने। हुण आपां एक्सपैरिमेंट करके देखांगे। हाँ जी बच्चो, यह तुसीं दो ट्रैंगल्स देख रहे जो, ठीक है, हाँ जी ये ट्रैंगल एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू और आर। हाँ जी बच्चो, इत्थे भी 80 डिग्री का एंगल बनया, इत्थे भी 80 डिग्री एंगल बनया, ठीक है, इतने 30 डिग्री का एंगल बनया, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बनया, तो जो बेस साइड आ 5 सेंटीमीटर भी बेस साइड जी 5 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे, तुम की देख रहे हो, यह दो एंगलों के विचकार 5 सेंटीमीटर बनी है, ठीक है, यह भी दो एंगलों के विचकार, विचकार तो मतलब ये नहीं है कि मतलब कि इतने तो इतने है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर दो एंगलों के बीच इनकलूड आ, इनकलूडेड आ, मतलब 80 डिग्री और 30 डिग्री एंगलों के मतलब कि इनकलूडेड आ 5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चो, जे मैं इन्हों चुक के ये रख देव 80 डिग्री एंगल पर रखा और 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री पर रखा तो 5 सेंटीमीटर पर रखा तो वेने के एक दूजे कवर कर दी आ कि नहीं ये कर दी, कवर कर दूगी तो कंकुरेंट नहीं तो नॉट कंकुरेंट। ठीक बच्चो, देखो मैं डिफरेंट कलर दे ट्रैंगल बनाई है ता कि तुहानू छेती पता लग जाए कि दूजा कलर जिहड़ा वा पहली ट्रैंगल दे कलर चो दिस रहा वा कि नहीं दिस रहा, क्योंकि सेम कलर ते कई बार जज नहीं होंदे लेकिन डिफरेंट कलर जिहड़े जज हो जाते हैं। हाँ जी बच्चे, देखो यह बिल्कुल इन कवर कर रहा पहली ट्रैंगल नू। ठीक बच्चो, जे आप बिल्कुल सही रखांगे तो यह देखो कवर कर रहा ना, जिहड़ी पहली ट्रैंगल आ वो दूजी ट्रैंगल दे नाल कवर हो चुकी आ, इस कोलों ये ट्रैंगल कंकुरेंट हैगी आ। हाँ जी बच्चो,
जे आपां हुण आपां इसे लिख सकते ठीक है कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी कंकोरेंट ट्रायंगल है पी क्यू और आर। हाँ जी रीजन केड़ा हो इत्थे एंगल साइड एंगल। हाँ जी बच्चों जे आपां ये कहिंदे कि 30 इधर हो जाता 80 इधर हो जाता तो फिर कंकोरेंट होनी ही कि नहीं होनी नहीं होनी सी क्यों नहीं सी होनी देखो आप करके वेख लें देखो मैं उल्ट रख लैनी हाँ वेखो देखो आड आवा 30 आ वो मैं 80 उपर रख लगी आ देखो बच्चे आड आ 30 आ ये मैं कितने रख लगी आ 80 उपर पर एक बार इनू नहीं करूँगा फिर उस हालत आप कह सकते हैं कि कंकोरेंट नहीं है क्योंकि इन्हें पहली ट्रायंगल को कवर नहीं किया। हाँ जी बच्चे राइट एंगल हाइपोटनस साइड इन शॉर्ट फॉर्म के असी आर एच एस कंकोरेंस लिख सकते हैं। हाँ जी ये देखो किस तरह टू ट्रायंगल आर कंकोरेंट इफ दे हाइपोटनस एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटनस एंड वन साइड ऑफ द अदर राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी बच्चे इसका मतलब की आ दो ट्रायंगल कंकोरेंट हैं जे उनका हाइपोटनस अते एक साइड ऑफ राइट एंगल दी एंगल ट्रायंगल दी मतलब हाइपोटनस होवे ते राइट एंगल एंगल ट्रायंगल दी एक साइड होवे एंड रिस्पेक्टिवली जिहड़ी आ दूजी राइट एंगल साइड दी एक साइड होवे ते उहदी हाइपोटनस इक्वल होवे रिस्पेक्टिवली मीन कोरस्पोंडिंग तो आप ट्रायंगल कहांगे कंकोरेंट हैं। ठीक बच्चो हाँ बच्चों फिर एक बार सुन लो हाँ बच्चो तुम ट्रायंगल देख रहे हो ना देखो ए की आ हाइपोटनस ए भी की आ हाइपोटनस हाइपोटनस किन्ना 10 सेंटीमीटर ते ए एक साइड 8 सेंटीमीटर है ए भी 8 सेंटीमीटर है। हाँ जी बच्चे साइड जी मर्जी इक्वल हो भावें ए वाले लेंदे 8 सेंटीमीटर ते 8 सेंटीमीटर मतलब जे तुसी बेस वाली लई है ते इधर बेस वाली ही लैनी है ठीक है जे तुसी इधर परपेंडिकुलर वाली लई है ते परपेंडिकुलर वाली ही लाइन इक्वल लैनी हैगी है मतलब कि शो करनी है ठीक है। बाकी जो आ दो साइडा इक्वल हो जाए तो तीजी साइड नूं इक्वल होना ही पैंदा वा ठीक है बच्चो। हाँ जी इधर तुसी वेख रहे जो आपां कंडीशन की ही राई आर एच ते एस आर एच ते एस क्लीयर है। हाँ जी बच्चो हुण आपां वेखो मैं यह डायग्राम प्रैक्टिकल करके तुहानूं दिखाउण लगी आ इहदे विच वी उही मैं साइडां ली है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर राइट एंगल राइट एंगल। हुण मैं इहदे उत्ते तैनूं रखांगी ते एक दूजे नूं कवर करूगी आ वेखो बच्चो इहनूं इहदे उत्ते रखिआ ते इहने इहनूं की कर दित्ता वा कवर कर दित्ता हैगा बच्चो ठीक आ दिस रहा है सारे बच्चिआं नूं। हाँ जी इहदा मतलब है कि इह की आ कंकोरेंट आ इस कोलों आपां इत्थे लिख सकदे आ कि ट्रायंगल जिहड़ी आ ट्रायंगल ए बी सी कंकोरेंट ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक बच्चे। हाँ जी हम नेक्स्ट देखो मीन्स ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ जी बच्चे हुण जिहड़ी मेन गल आ गई है हाँ जी बच्चो आपां चार कंडीशन्स दस्सी।
चार कंडीशन तो मैं दसते ही साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ते साइड ठीक है। इन चार कंडीशन च तो जी टू ट्रायंगल जी कंकरेंट होंगी ही है ठीक है, जरूरी हो जाती है जे ऐसी कोरसपोंडिंग ये चीज़ा होन तो ठीक है। लेकिन बच्चों हूँ एक होर गल आ रही है कि एक क्वेश्चन उठता पाया वा कि जे एंगल 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 इट मीनस तिने एंगल इक्वल होन, मतलब कह भाव आ कि एंगल एंगल तो एंगल ठीक है कॉन्ग्रेंस होन तो जी ट्रायंगल जी कॉन्ग्रेंट होंगी आ कि नहीं होंगी। बच्चे जो तिने एंगल मान लो तिने एंगल कॉन्ग्रेंट होन कोरसपोंडिंग ठीक है, हाँ जी फिर होंगी आ कि नहीं होंगी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। ये बच्चे इस टाइम जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रेंट हो भी सकती आ तो नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है। ऐ होला आप कंडीशन देवे इफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल दैन द ट्रायंगल आर नॉट नसैसरली कॉन्करेंट, मतलब कह भाव कि जे तीन एंगल एक ट्रायंगल दे दूजे जे दूजी ट्रायंगल तीन एंगल इक्वल होंगे हैं तो जी ट्रायंगल जी जरूरी नहीं है कि कॉन्करेंट हो। हाँ जी बच्चों मेरे चैनल नूं शेयर सबसक्राइब एंड लाइक जरूर करो क्योंकि मैं तुहानूं बहुत ही मेहनत नाल काम करवा रही हाँ।